अरे एएमएस फाउंडेशन ने दिया बजाज फाइनेंस व आदित्य बिरला के अधिकारियों को ज्ञापन, लेने से किया इनकार। जयपुर बैंक में एनबीएफसी द्वारा जबरन वसूली कर मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ आरएएमएस के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र गोयल पहुंचे बजाज फाइनेंस व आदित्य बिरला के ऑफिस। वहां उनके अधिकारियों को जबरन वसूली व मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे। जितेंद्र ने बताया कि जब ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी को फौरन जबरन वसूली में मानसिक उत्पीड़न बंद कर देना चाहिए, वरना सड़कों पर लोगों को उतरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी बैंकों व एनबीएफसी की होगी। इस मौके पर राजस्थान प्रभारी नवीन पाठक, प्रवक्ता हिमांशु नरवानी, महिला विंग की प्रमुख मंजू जैन, सदस्यों में स्वाति माखीजानी, लता जैन, तुषार जतिन आदि रहे। आरमार फाउंडेशन आज आदित्य बिरला बैंक और बजाज फाइनेंस के ऑफिस में थे। हम लोग सिंपली उनके पास में एक अपना आवेदन पत्र ले गए थे, एक लेटर लेके गए थे कि भैया आप लोग जो है ज़बरदस्ती अपने ग्राहकों का शोषण कर रहे हैं, आपके खिलाफ कई शिकायतें हमारी फाउंडेशन के पास आई हैं, जिसमें जबरन वसूली है, आप जो कॉन्टैक्ट पर फ़ोन करते हैं वो गलत है, इसके अलावा आप जो अभी गुंडों को भेज रहे हैं, असामाजिक तत्वों को भेज रहे हैं, ये सब गलत प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी जबरन वसूली बिल्कुल बंद है, आप किसी को मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक लेटर हम लोग लेके गए। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये रही कि आज दोनों ही बैंकों ने, दोनों ही एनबीएफसीओं ने, दोनों ही आदित्य बिरला ने, फाइनेंस कंपनी ने और बजाज फाइनेंस कंपनी ने हमारा लेटर लेने तक से मना कर दिया। उनका कहना था कि साहब हमारे मैनेजर उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके मैनेजर बैंक के अंदर बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने लेटर लेने से मना कर दिया। हम लोगों को उनसे काफ़ी बहस हुई, हमने उनसे काफ़ी चर्चा करी, लेकिन वो लेटर लेने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा कि आप सिर्फ एक जो हमारा आवेदन पत्र है कार्ड से सील लगवा के ले लें, हमको एक पावती दे दें कि भाई हम लोग आपके पास में जो आए हैं कि हम लेटर आप लोग ले लें, बाद में जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। तो यह स्थिति है लोगों की। जब ये लोग हमारे घर के बाहर झगड़ा करते हैं, जब हम नहीं मिलते तो हमारी उपस्थिति हमारी बीवी से, हमारे भाई से, हमारे बहन से, हमारी माता जी झगड़ा करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को बोल के जाते हैं, तभी निष्ठा का हरण कहाँ चला जाता है। तब ये कौन सोचते हैं कि जो बंदे को लेटर पहुंचना चाहिए, जिसकी परेशानी उसी तक से बात करी जाए, तो फिर पूरे बहुत जोर जोर से चल जाते हैं, हमारे यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। आरमास फाउंडेशन ने मध्यम वर्ग के साथ में कसम खाई है कि वे हर व्यक्ति को, मध्यम वर्ग के परिवार को जो कि बैंकों से प्रताड़ना से पीड़ित है, उसको हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारी पहली लड़ाई है। आज के चरण में हम लोग दो बैंकों, एक तो आदित्य बिरला बैंक में और बजाज फाइनेंस बैंक में गए थे। इसके बाद अगला नंबर हम लोग आरबीएल बैंक और एक्सिस बैंक के पास जाएंगे और हम दावा करते हैं कि जब तक ये मोरेटोरियम नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद।